Masha's Tales. आज मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि मैं कुछ बेहतर करूंगी, उसे पेंट करूंगी। बहुत पहले की बात है, एक बंदा था जिसके हाथ और पैर थे और गोल शरीर था। कुछ अजीब नहीं था सिवाय दाढ़ी के। अजीब बात है कि मुझे नहीं पता मैंने मेरी दाढ़ी को ब्लू पेंट क्यों किया, मतलब मेरी दाढ़ी को नहीं, इस आदमी की दाढ़ी को। Bluebeard. एक सुबह Bluebeard नाम का एक आदमी जंगल में चले जा रहा था। वो एक गाना गा रहा था जो उसने कुछ ही मिनट पहले लिखा था। टरा टरा टरारा टरम टरम टम टम टहम। Bluebeard ने सोचा, सच में टाइम हो गया है, टाइम है मेरे कुछ खाने का। और फिर Bluebeard आगे चलने लगा, ये सोचते हुए कि उसने सुबह नाश्ता किया था और दोपहर के खाने को अभी वक्त था। अचानक Bluebeard जंगल में एक खुली जगह पर आ पहुंचा। उस खुली जगह पर था एक घर। मैं तुम्हें वो घर बनाकर दिखाती हूँ। घरों के चारों ओर सनफ्लावर्स उगे थे और खिड़कियों पर गाजर की ड्राइंग की गई थी। अगर मैं सही समझ रहा हूँ, Bluebeard ने सोचा, तो इन गाजर का मतलब है कि ये घर एक रैबिट का है। और रैबिट एक बहुत ही अच्छा होस्ट होता है। और एक अच्छे होस्ट को खाने पर मेहमान बुलाना अच्छा लगता है। Bluebeard बिना वक्त गवाए दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया। हेय हेय, नॉक नॉक, कोई घर पर है? नॉक नॉक, चलो दरवाजा खोलो। किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद वो सब सो रहे हो। Bluebeard ने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर से। Bluebeard ने दरवाजे को अपनी मुट्ठी से खटखटाया। उसने अपने पैरों से लात मारी। आखिरकार किसी ने खिड़की खोल दी। खिड़की पर आई एक बड़ी प्यारी लड़की जिसकी आंखें आसमान जितनी नीली थी। और किसी वजह से मैंने उसके बाल भी नीले रंग के ही बनाए, पता नहीं ऐसा क्यों किया। मेरे दरवाजे पर खटखटाना बंद करो, लड़की ने कहा। अंदर आ जाओ और थोड़ा कोको पी लो। Bluebeard खाने को देखकर इतना खुश हुआ कि वो अंदर भागा और उसने खाना शुरू किया। नीले बालों वाली लड़की को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है, उसने सोचा, एक झटके में एक पूरा केक खा जाना और बिना चबाए ही उसे निकल जाना, या अपनी उंगलियां जैम से भरे कटोरे में डालना और फिर जैसे कि इतना काफी नहीं था, अपनी उंगलियों को एक एक करके चाटना। इव, तुम तो बहुत ही गंदे हो, लड़की ने कहा। उहुं, Bluebeard ने कहा। और फिर केक का एक और टुकड़ा उठाने के चक्कर में उसने कोको से भरा कप उल्टा कर दिया और फिर सफेद टेबल क्लॉथ पर एक ब्राउन दाग पड़ने लगा जो एक घोड़े जैसा बन गया। फिर Bluebeard ने अपनी उंगली से उस घोड़े की एक प्यारी सी पूंछ बना दी। नीले बालों वाली लड़की को उसका इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने उसे रोते हुए कहा, तुम एक बुरे बच्चे जैसा बर्ताव करते हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब मुझे तुम्हें अंधेरे तहखाने में बंद करना होगा। उस लड़की के बड़े से घर में बहुत सारे कमरे थे और आप किसी भी कमरे में जा सकते थे सिवाय अंधेरे तहखाने के। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, Bluebeard ने अंधेरे तहखाने में बैठे बैठे सोचा। लगता है मुझे हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा, वो भी भूखा प्यासा। उसने खाना ढूंढते हुए अपने आसपास देखा और अचानक उसे एक स्टोव दिखा जिसमें आग जल रही थी और आग के ऊपर लटका था एक बर्तन जिसमें कुछ मजेदार पक रहा था। Bluebeard ने उसका ढक्कन उठाने की कोशिश की, पर जैसा कि तुमने देखा, वो स्टोव, वो आग और वो बर्तन बस एक पुराने कैनवस पर पेंट किए गए थे और वो पुराना कैनवस एक खुफिया दरवाजे पर लगा हुआ था। फिर Bluebeard ने दरवाजे का हैंडल खींचने का फैसला किया। दरवाजा खुल गया और Bluebeard ने देखा कि ये कमरा मजेदार खाने से भरा पड़ा है। उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर Bluebeard मजे से सैंडविच खाने लगा जिसमें था पीनट बटर और जैम और शहद। और Bluebeard को खाते खाते ख्याल आया
अगर वो तस्वीर ना होती तो मैं अपनी बेचारी दाढ़ी खो देता। नहीं, मेरा मतलब अपना बेचारा सिर। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब एक असली मास्टरपीस आपके मन में उम्मीद जगा सकता है।